दोस्तों, आखिर आज कैसे टाटा का जूडियो ब्रांड इंडिया की फैशन इंडस्ट्री या फैशन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है और आप एक दूसरी नजरिए से देखेंगे तो ये एक तरह से इंडिया का जारा बन चुका है या बनने की तरफ अग्रसर है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब मंच पर स्वागत करता है। तो चलिए, ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं, आज देखते हैं हम लोग जूडियो की केस स्टडी। अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को देखकर क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि काश मेरे पास भी ऐसे ही कपड़े होते, मैं भी पहनकर इंस्टाग्राम पे फोटो डालता और लाइक्स ही लाइक्स। ये सब कुछ अगर आपके साथ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। मगर एक बात है, जब भी हम ऐसे कपड़ों का प्राइस चेक करने जाते हैं ना, तो वो इतना महंगा होता है कि हमारे पूरे महीने की सैलरी निकल जाए। और जब भी ऐसा होता है तो हम सबके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस चीज की कॉपी खरीद लूं। मगर उस कॉपी की क्वालिटी देखकर ना आपका ये रिएक्शन होता है, पैसा बर्बाद। लेकिन आज एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो कि आपको टीवी स्टार्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जैसे ट्रेंडी कपड़े दे सकती है, और वो भी हजार रुपए से कम में। जूडियो एक ऐसा इंडियन फैशन ब्रांड जो कि जारा की तरह ही ट्रेंडी कपड़े बनाता है। बस यहाँ पर जो कपड़ों का रेट होता है ना, वो जारा से 75% कम होता है। यहाँ तक कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको जूडियो में शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसका प्राइस 999 से ज्यादा हो। और आज यही टाटा ग्रुप की कंपनी 42 से ज्यादा इंडियन सिटीज के अंदर 350 से ज्यादा स्टोर चलाती है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने 1100 करोड़ का बिजनेस किया। और इस कंपनी की आज की डेट में जो मार्केट की वैल्यू है वो है $500 मिलियन, यानी कि करीब 4000 करोड़ रुपए। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर टाटा का जूडियो ब्रांड इतने कम और इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पर लोगों को इतने बढ़िया कपड़े कैसे दे पा रहा है? आखिर कैसे आज टाटा जूडियो की मदद से इंडिया के फैशन रिटेल मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है? और 2016 में एक स्टोर से शुरू करके इन लोगों ने 350 से ज्यादा आउटलेट्स कैसे खोल डाले, इन सारी चीजों को आज एकदम डिटेल में समझेंगे। सो अगर आप बिजनेस करते हो या फिर आप आगे बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो जो बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपका गेम चेंज कर देगी। माय गॉड, 99 मिल रहा हूं। इंडियन So, ये कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जब टाटा ग्रुप अपनी कॉस्मेटिक्स कंपनी लैक्मे उसके 50% स्टेक हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच देती है। और जब ऐसा होता है तो इस सेल से आने वाले जो 200 करोड़ रुपए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए टाटा ग्रुप ट्रेंट लिमिटेड इस नाम से एक रिटेल कंपनी शुरू करती है। अब देखो, टाटा ग्रुप ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त पर ना उनको जो रिटेल मार्केट है उसके अंदर कॉस्मेटिक्स मार्केट से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। टाटा का ये मानना था कि जो मार्केट ऑलरेडी ग्लोबल ब्रांड्स के लिए इतनी ओपन है ना, वहां पर एक इंडियन कंपनी के लिए नए कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए समय रहते हुए इस कंपनी को बेच देने में ही समझदारी है। और फिर आगे चलकर अगस्त 2005 में ट्रेंट लिमिटेड लैंडमार्क, जो कि एक टॉयज और स्टेशनरी स्पोर्ट्स की फ्रेंचाइजी बेचती है, उसके 76% स्टेक्स को एक्वायर कर लेती है, जिसको आगे चलकर साल 2008 में ये लोग बढ़ाकर 100% तक ले जाते हैं। लेकिन टाटा के एक्विजिशन के बाद भी ये कंपनी लॉस में ही जा रही थी, और यही कारण था कि साल 2014 के अंदर इस कंपनी ने अपना बुक स्टोर का पूरा बिजनेस ही बंद कर दिया। अब देखो, यहाँ पर साल आ चुका था 2014, जब टाटा ग्रुप वर्ल्ड फेमस फास्ट फैशन ब्रांड जारा को इंडिया में लाने के लिए अपनी ट्रेंट लिमिटेड और इंडिटेक्स इनके साथ एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश करती है। और ये जो जॉइंट वेंचर है इसका नाम पड़ता है जारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर आज इंडिया में खोले गए सारे जारा स्टोर्स ऑपरेट होते हैं। पर फिर धीरे धीरे ट्रेंट लिमिटेड को ये समझ में आने लगता है कि इंडिया की जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री है ना, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और यहाँ पे एक नया बिजनेस बनाया जा सकता है। अभिजीत कुंडू, जो कि एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर एक एनालिस्ट है, वो तक ये बताते हैं कि पिछले 3-4 सालों के अंदर ना इंडिया में, क्योंकि स्मार्टफोन्स और इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, इसलिए लोगों का जो फैशन का सेंस है ना वो भी बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है। क्योंकि आज एक छोटे गाँव में भी जब कस्टमर कपड़े खरीदता है ना, तो वो ये सोचते हैं कि यार ये जो ड्रेस है ना ये होनी चाहिए एकदम अक्षय कुमार जैसी, एकदम हीरो लगने चाहिए। इनफैक्ट अगर आप जनवरी 2019 में आई गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनकी रिपोर्ट भी देखोगे तो उसमें तक ये बताया गया है कि पूरी इंडिया की जो टोटल हाउसहोल्ड की स्पेंडिंग है ना, वो $1.5 ट्रिलियन से बढ़कर 2030 में जाते जाते चार गुना बढ़ने
करने वाली है। इसीलिए साल 2016 में ही टाटा ग्रुप ने ट्रेंट लिमिटेड के अंडर अपना फास्ट फैशन ब्रांड जिसका नाम रखा जूडियो उसको लॉन्च कर दिया। पर अब जो अगला सवाल आता है वो ये है कि आखिर जूडियो ने ऐसा क्या किया जो बाकी कंपनियां नहीं कर पाई, और जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस बीच में आखिर टाटा ग्रुप को कौन कौन से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखो, जूडियो को लॉन्च करने से पहले ट्रेंट ने इंडिया के फास्ट फैशन इंडस्ट्री के अंदर ये तीन कमियां निकाली और इन्हीं कमियों को अब जूडियो की मदद से भरना था, जिसमें पहली कमी तो ये थी दैट फास्ट फैशन इज नॉट अफोर्डेबल। ये बात तो सही है कि इंडियंस का जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा चेंज हुआ है, लेकिन इंडियंस की जो परचेजिंग पावर है ना वो उतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ी है कि हर कोई आराम से फास्ट फैशन क्लोज को अफोर्ड कर पाए। जैसे अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा को देखो तो पूरे इंडिया के अंदर 75% से ज्यादा जो घर है ना उनकी एनुअल इनकम $8,500 यानी कि 7 लाख रुपए से कम है। और यही कारण है कि इंडिया के अंदर जो जारा और H&M जैसे फास्ट फैशन ब्रांड्स है ना उनको भी एक मिडिल क्लास आदमी काफी ज्यादा महंगा मानता है। फिर आती है ये दूसरी प्रॉब्लम जिसको कहते हैं अफोर्डेबल लो क्वालिटी। अब कई बार होता ही है कि कस्टमर्स को अफोर्डेबल प्राइस पर कपड़े तो मिल जाते हैं लेकिन उन कपड़ों के अंदर क्वालिटी ही नहीं होती है। तो कपड़े तो ले लिए लेकिन वो कपड़े चल के ही ना दे, तो जो भी पैसे खर्च करें वो भी खराब हो गए। और फिर आती है ये तीसरी प्रॉब्लम जो कि है फास्ट फैशन इज वेरी स्लो इन इंडिया। देखो, जब भी कोई कस्टमर फास्ट फैशन का प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके दिमाग में माइंडसेट ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये मेरे पास मार्केट में सबके पास आने से पहले पहुंच जाए। मतलब कि आज आपने इंस्टाग्राम के ऊपर कोई ट्रेंड देखा और आपको अगले हफ्ते तक वो कपड़ा अपने घर में चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा लेट हो जाएगा तो फिर उस चीज का क्या फायदा, वो तो ट्रेंड से ही बाहर चला जाएगा। और यही सेम काम जारा करती है। अब देखो, जारा तो बाहर की कंपनी है तो उनके लिए तो मैनेज करना आसान है, लेकिन इंडिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी है ही नहीं जिसका सप्लाई चेन नेटवर्क इतना तेज हो कि वो क्लोथ को मैन्युफैक्चर करके फटाफट से रिटेलर के पास पहुंचा दे। तो प्राइस, क्वालिटी और स्पीड, इन तीनों गैप्स को फिल करने के लिए टाटा ने जूडियो को मार्केट में लॉन्च किया। अब देखो, सबसे पहले जूडियो ने साल 2016 में बेंगलुरु में अपना पहला स्टोर खोला, जिसके बाद 2018 के अंदर हैदराबाद में दूसरा स्टोर खोला, और ऐसे करते करते आज जूडियो के इंडिया के अंदर टोटल 396 स्टोर्स हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर कैसे जूडियो ने इतनी तेजी से इतने कम वक्त में इतने सारे स्टोर्स कैसे खोल दिए, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले जूडियो की टारगेट मार्केट को समझना होगा। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ज्यादातर जो फैशन रिटेल ब्रांड्स है ना वो अर्बन सिटीज के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। इसलिए अगर आप कहीं भी चले जाओ, बड़े से बड़े ब्रांड्स जैसे कि जारा या H&M, इनके स्टोर्स आपको किसी छोटे शहर में मिलेंगे ही नहीं। लेकिन इंडिया के केस में जो असली कमाई है ना वो कमाई कहीं और ही है। अगर आप एज अ कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहते हो ना तो आपको जाना होगा Tier 2, Tier 3 और Tier 4 सिटीज के अंदर, क्योंकि आज इन सिटीज के अंदर जो कस्टमर्स है ना वो Tier 1 सिटीज के कस्टमर्स के कंपैरिजन में 77% तक ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने लास्ट ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजैक्शन से। और जो जूडियो है वो आज की डेट में सेमी अर्बन और अर्बन कस्टमर्स के अलावा जो यंग एडल्ट्स है ना उनको भी टारगेट कर रही है। पर ये सब कुछ हो कैसे पा रहा है? तो देखो, इसके पीछे है ये चार स्ट्रेटजीज, जिसमें पहले नंबर पे है इन हाउस डिजाइन एंड प्रोडक्शन। ट्रेंट जो कि जूडियो की पेरेंट कंपनी है, आज उनके पास अपना खुद का इन हाउस डिजाइनिंग टीम है जो कि इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स और फैशन को देखती है और वहां से उठाकर अपने डिजाइन्स तैयार कर देती है। और इनकी जो इन हाउस डिजाइन और प्रोडक्शन की टीम है ना वो 12 दिनों के अंदर अंदर एक डिजाइन को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में पहुंचा देती है। मगर ये लोग जब भी कोई नया डिजाइन बनाते हैं तो ये अपने कुछ ही स्टोर्स में भिजवाते हैं, फिर अगर प्रोडक्ट वहां पर अच्छा चलता है, जल्दी से बिक जाता है, तो उसके बाद ये लोग बल्क में उस चीज को क्रिएट करते हैं और फिर बाकी स्टोर्स में पहुंचाना शुरू करते हैं। अभी जो इन हाउस डिजाइन एंड प्रोडक्शन है, इससे होता यह कि जूडियो के पास अपनी कॉस्ट और अपनी क्वालिटी, इन दोनों का पूरा कंट्रोल आ जाता है, जिसके बाद लगती है ये दूसरी स्ट्रेटजी जो कि है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको एक अजम्पशन से समझते हैं। सपोज कि एक शहर के अंदर 1000 लोग रहते हैं, अब इनमें से सिर्फ मान लो 50 ही अमीर लोग हैं, तो अब जारा क्या करता है, जारा जो अपने प्रोडक्ट बेचेगा ना वो उन्हीं 50 लोगों को बेचेगा जो कि उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो 950 लोग हैं उनको भी तो फास्ट फैशन चाहिए, उनका क्या होगा, वो कहां पे जाएंगे? तो ये जो बचे हुए 950 लोग हैं ये जाते हैं जूडियो के पास, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे उनको अफोर्डेबल प्राइस पर ट्रेंडी कपड़े मिल जाएंगे। अब अगर इसी अजम्पशन से पकड़े तो जारा एक डिजाइन के सिर्फ 50 यूनिट बेचेगी, वहीं पर जूडियो अपने उसी डिजाइन के 950 यूनिट बेचेगा। तो यहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जूडियो ने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम कर ली, प्लस जूडियो ऑलरेडी अपने जो मार्जिन है उनको काफी कम रखता है, तो प्रोडक्ट ऑलरेडी कस्टमर को बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल जाएगा। पर ये देखकर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ब्रो, जारा 50 यूनिट बेचकर ही जूडियो से ज्यादा पैसे कमा लेती होगी, जारा है भाई इतना बड़ा ब्रांड है। तो चलो इसको भी एक कैलकुलेशन से समझते हैं। फॉर सपोज जारा अपनी एक ड्रेस के ऊपर सारे खर्चे हटाने के बाद 2000 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, तो अगर उसने 50 यूनिट बेची तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख रुपए। लेकिन वहीं पर जूडियो अगर अपनी एक ड्रेस को बेचकर अपने सारे खर्चे हटाने के बाद सिर्फ 200 का भी प्रॉफिट बना रही है ना, तो वो एक साथ 950 ड्रेस बेच रही है, तो उसका प्रॉफिट बन जाता है 1,90,000।
1000 रूपए। सो इसी तरीके से जूडियो लो मार्जिन पर भी खेलकर अपना वॉल्यूम इतना बढ़ा लेती है कि वो खुद को प्रॉफिटेबल रख पा रहे हैं। अब आते हैं तीसरी स्ट्रेटजी पे, जो कि है ओनली ऑफलाइन स्टोर्स। आप कहीं पर भी ऑनलाइन जाकर जूडियो के प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकते हो, इसके लिए आपको ऑफलाइन स्टोर पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों भैया, इस ई कॉमर्स के जमाने में जूडियो अपने प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन क्यों बेचना चाह रही है, ऑनलाइन क्यों नहीं बेचती है? तो देखो इसके दो कारण है, जिसमें पहला कारण तो ये आता है कि अगर अपने प्रोडक्ट को इन्होंने ऑनलाइन लिस्ट करा दिया तो इनकी जो डिलीवरी की कॉस्ट है और इनकी रिवर्स लॉजिस्टिक्स, यानी कि कभी कभी प्रोडक्ट जो वापस आता है, वो दोनों कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर जुड़ जाएगी, जिससे कि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो कस्टमर को माल महंगा मिलेगा। और वैसे भी जूडियो का जो टारगेट कस्टमर है वो कोई कोठे बंगले वाला आदमी तो है नहीं, वो एक आम आदमी है जो कि पहले से ही लोकल शॉप से अपना प्रोडक्ट खरीदते हुए आए, तो उसको ऑनलाइन डिलीवरी कॉस्ट देने की बजाय एक ऑफलाइन जाकर ही प्रोडक्ट खरीदना पसंद है। अब फिर जो दूसरा कारण है, वो दूसरा कारण है हाई रेट्स ऑफ रिटर्न। आज जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इन सब की एक ही प्रॉब्लम है कि भैया रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं। फोरसाइट रिसर्च की एक स्टडी के अनुसार जितने भी कपड़े ऑनलाइन बिकते हैं ना, उनमें से 24.4% कपड़े रिटर्न आ जाते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर 20 लोगों ने कपड़े खरीदे तो उनमें से 5 लोगों के कपड़े वापस आ जाते हैं। लेकिन जूडियो की बात करें तो वो ऑलरेडी बहुत ही थिन मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर वो ऑनलाइन कपड़े बेचने लगेंगे तो उनके बहुत सारे ऑर्डर्स तो रिटर्न आने लग जाएंगे, तो इन रिटर्न्स को जो मैनेज करने का खर्चा है वो भी एड ऑन हो जाएगा। क्योंकि देखो जब भी कोई ऑर्डर रिटर्न आता है तो उसकी रिवर्स लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट के साथ साथ उसकी रीवॉशिंग, उसकी री आयरनिंग, री स्टोरेज, इन सब की भी कॉस्ट लगती है। यही कारण है कि आज के जमाने में भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने की बजाय जूडियो अपने ऑफलाइन स्टोर्स के थ्रू ही प्रोडक्ट बेचना प्रेफर करती है। लेकिन हाँ, सिर्फ 7 सालों के अंदर अंदर 300 से ज्यादा स्टोर खोल देना, इन स्टोर्स को इतनी स्पीड से एक्सपैंड करने के पीछे भी जूडियो का एक अलग ही अप्रोच है। देखो जहां पर इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स कोको यानी कि कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड या फिर फोफो फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, इन सारे मॉडल्स के ऊपर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है, वहीं पर जूडियो इस्तेमाल करता है फोको मॉडल का, यानी कि फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। अब इसमें होता ही है कि जो थर्ड पार्टी है वो पैसे लगाकर फ्रेंचाइजी खरीदती है, लेकिन उस फ्रेंचाइजी को ऑपरेट कंपनी खुद ही करती है। पर इससे फायदा क्या है? तो देखो फायदा ये होता है कि बिना अपना एक भी रुपए खर्च करे कंपनी को एक खुद का स्टोर मिल जाता है, तो पैसे किसी और ने लगाए मगर धंधे का कंट्रोल कंपनी के हाथ में है। और सिंपल सी बात है, क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर ने पैसा लगाया तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ शेयर फ्रेंचाइजी ओनर को ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो देखो इससे हुआ ये कि जो स्टोर खोलने का पैसा है ना, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बच गया, और इसी पैसे को बचाकर कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करती है क्वालिटी कपड़े बनाने में, ताकि कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिले, वो भी सस्ते प्राइस पर। प्लस क्योंकि जूडियो की टारगेट मार्केट ही अलग है, तो वो किसी बहुत ज्यादा महंगी लोकेशन पर अपना स्टोर नहीं खोलती है, इसलिए जो भी बंदा जूडियो की फ्रेंचाइजी ले रहा होता है उसको भी कोई बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। इसलिए ये लोग इतने कम समय में इतने ज्यादा स्टोर्स खोल पाए, क्योंकि पैसा किसी और का लगाए और पैसा भी कम लगाए, प्लस क्योंकि धंधे का कंट्रोल अपने हाथ में है तो सारी चीजें अपने हिसाब से चला रहे हैं। पर इन सबके बाद आती है चौथी और फाइनल स्ट्रेटजी, जो कि है मार्केटिंग टेक्निक्स ऑफ जूडियो। अब जब जूडियो सोर्सिंग से लेकर डिजाइन और प्रोडक्शन तक हर जगह पर अपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, तो फिर वो मार्केटिंग में भी पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं, वहां पे भी पैसे बचाएंगे। देखो इनिशियली लोगों ने जब जूडियो का नाम सुना तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर इतने कम पैसे में इतने अच्छे कपड़े कोई कंपनी कैसे दे सकती है, तो लोगों को हमेशा ये लगने लगा कि यार जरूर क्वालिटी में कोई लोचा होगा। और यहीं पर रोल आता है टाटा ग्रुप का। आज की डेट में ज्यादातर इंडियंस टाटा ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, तो उनको जब भी ये पता लगता है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड का जो मालिक है वो टाटा ग्रुप है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर विश्वास होने लगता है कि देखो कस्टमर के साथ चोरी तो नहीं करेगी टाटा ग्रुप। अब देखो यहाँ पर जूडियो के साथ जो ट्रस्ट वाला फैक्टर था वो तो सॉल्व हो गया, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, मतलब भरोसा तो कर सकते हैं, यहाँ पे पंगा कुछ नहीं होगा। बट ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी था, तो यहाँ पर जूडियो ने ना तो बड़े बड़े टीवी एड्स करे, ना ही कोई होर्डिंग्स लगाई, कहीं पर भी पैसा बर्बाद नहीं किया। क्योंकि देखो जूडियो को एक बात समझ में आती है कि जो टीयर टू टीयर थ्री सिटी के कस्टमर्स है ना, उन ऑडियंसेस को जब भी होर्डिंग्स दिखती है, बड़े बड़े टीवी एड्स दिखते हैं ना, तो ये देखकर उनके दिमाग में सबसे पहले इमेज आती है कि यार ये चीज तो बहुत ही ज्यादा महंगी होगी, और यही चीज जूडियो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए जूडियो ने क्या किया, उसने सबसे पहले हाइपर लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप करी, उनके साथ कोलैबोरेट किया, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि उस पर्टिकुलर जगह की रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि गुजराती, तमिल, मराठी, तेलुगु, मलयाली, ये सारी लैंग्वेजेस। क्योंकि रीजनल इन्फ्लुएंसर अब जूडियो को प्रमोट कर रहा था, तो कस्टमर्स का जो इंटरेक्शन है वो ब्रांड के साथ और ज्यादा बढ़ने लग गया, और क्योंकि रीजनल इन्फ्लुएंसर्स एक पर्टिकुलर रीजन में ही फेमस होते हैं, तो उनको ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़े। और क्योंकि जूडियो ने अपना बैकएंड बहुत अच्छा कर रखा था, तो उनको ये चीज पता थी कि एक बार ही कस्टमर बस स्टोर में आ जाए, फिर जैसे ही वो प्रोडक्ट लेगा ना, वो उसके बाद हमारे पास बार बार अपने आप आएगा और वो 4 लोगों को और लेकर आएगा। सो इसी तरीके से जूडियो ने हर एक स्टेप के ऊपर अपनी कॉस्ट को कट डाउन किया, क्योंकि उनको पता था देखो मार्जिन तो हम ज्यादा खींचेंगे नहीं, और अगर हमारी कॉस्ट बढ़ गई तो प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा तो कस्टमर आएगा कैसे। प्लस जूडियो के पास एक और एडवांटेज है, वो ये
है कि जूडियो के कोई भी होलसेलर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, उनका माल डायरेक्टली बनता है और डायरेक्टली उनके स्टोर्स पे पहुंचता है। यही कारण है कि जूडियो के प्रोडक्ट्स आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। अगर आप आज भी एक टी शर्ट का प्राइस कंपेयर करोगे ना, जो कि प्लेन व्हाइट हो, वो अगर आप रिलायंस ट्रेंड से उठाओगे तो आपको करीब 999, अगर आप वेस्ट साइड से उठाओगे तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, करीब 599 के आसपास में मिल जाएगी। लेकिन जूडियो पर अगर आप वही टी शर्ट लेने जाओगे ना सेम, तो वो आपको 299 रुपए में मिल जाएगी। अब सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्ट इतना सस्ता होता है तो वो ज्यादा जल्दी बिकता है, जब ज्यादा जल्दी बिकता है तो इन्वेंट्री बहुत ही तेजी से मूव हो रही होती है, तो इन्वेंट्री को स्टोर करने की जो कॉस्ट है ना, वो भी कम हो जाती है। जूडियो जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को वीकली बेसिस पर 60% पर रिफ्रेश करती है, मतलब कि उसके जितने भी प्रोडक्ट थे ना, उसमें से 60% का रिफ्रेश रेट है, 60% बिक जाते हैं और 60% इन्वेंट्री रिफ्रेश होती है, और हर 2 महीने के अंदर जूडियो के पूरे स्टोर का स्टॉक नया हो जाता है। आज आप कपड़े लेने गए और 2 महीने बाद आप दोबारा जाओ तो आपको कम्प्लीटली नया स्टाइल देखने को मिलेगा, वो पुराने कपड़े आपको मिलेंगे ही नहीं। एक डेटा दिखाता हूं आपको, अगर इंडिया के बाकी फैशन रिटेल से ट्रेंड लिमिटेड को कंपेयर करें ना, तो पिछले 5 सालों में शॉपर स्टॉप का जो स्टॉक प्राइस है वो 55% इंक्रीज हुआ है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल का जो स्टॉक प्राइस है वो सिर्फ 11.4% बढ़ा है, लेकिन ट्रेंड के जो स्टॉक्स हैं वो 410.68% से बढ़े हैं। और यही बात लेकर आती है हमको इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, कि वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन हैं जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला, अंडरस्टैंड योर मार्केट। जब टाटा को अपना फास्ट फैशन ब्रांड लॉन्च करना था तो उन्होंने आंख बंद करके जारा को कॉपी नहीं किया, बल्कि पहले उन्होंने इंडियन कस्टमर को समझा, इंडियन मार्केट को समझा और उसके हिसाब से एक अफोर्डेबल फास्ट फैशन ब्रांड बनाया। और रही बात जारा की, तो इंडिटेक्स ट्रेंट, जो कि स्पेन की इंडिटेक्स और हमारे टाटा ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर है, जो इंडिया में सारे जारा के स्टोर्स ऑपरेट कर रही है, तो जारा भी टाटा ग्रुप के हाथ में है और जूडियो भी। तो टाटा ग्रुप ने कहा, भैया जो महंगा कस्टमर है वो भी मेरा है और जिसको सस्ता चाहिए वो भी मेरे पास आ जाओ, जूडियो है ना। अब आते हैं दूसरे लेसन पर, जो कि ये है, दैट ट्रस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। देखो इंडिया के अंदर ना लोगों की ये सोच बन चुकी है कि सस्ता मतलब लो इन क्वालिटी, कोई भी चीज अगर सस्ती है तो उसकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ झोल होगा, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी, घटिया क्वालिटी होगी एकदम, और जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं वो तो महंगे होंगे ही होंगे। इसलिए जब लोगों के सामने जूडियो प्रोडक्ट लेकर आया तो लोगों को बिलीव ही नहीं हुआ कि कोई इतने सस्ते रेट पर आखिर इतने अच्छे कपड़े कैसे दे पा रहा है। सो यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज था कि ट्रस्ट डेवलप करना है, और ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर आखिर कस्टमर आकर मेरा माल क्यों खरीदेगा। इसलिए यहीं पर जो टाटा ग्रुप ने सालों साल लगाकर अपना ट्रस्ट बिल्ड किया है ना मार्केट में, वो काम आया। जूडियो ने अपने प्रोडक्ट प्रमोशन के अंदर हर जगह पर इस चीज को हाईलाइट किया, दैट वी आर अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, और इसी चीज के चलते कस्टमर्स के दिमाग में एक ट्रस्ट जो है ना, जो ट्रस्ट टाटा ग्रुप के लिए था, वो ट्रस्ट ट्रांसफर होकर जूडियो के ऊपर भी होने लगा। और फाइनली अब आता है तीसरा और सबसे पावरफुल बिजनेस लेसन, जो कि है इनोवेट फ्रूगली। मतलब इनोवेशन खूब करो मगर कम से कम खर्चा लगा के करो, कोशिश करो कि पैसे कम से कम खर्चो। जैसे जूडियो बहुत सारे डिजाइन बनाता है, लेकिन वो सारे डिजाइन बनाकर स्टोर्स में नहीं पहुंचाता, वो कुछ ही स्टोर्स में भिजवाएगा, वहां पर देखेगा कि कितनी तेज वो डिजाइन घूम रहा है, और जब वहां पर सक्सेस मिल जाएगी फिर बाकी सारे स्टोर्स में भेजेगा। इनफैक्ट आज भी जूडियो ऐसे बहुत सारे डिजाइन बनाता है जो कि कस्टमर्स को पसंद नहीं आते, लेकिन तब भी जूडियो लॉस में नहीं जाती। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पूरा इनोवेशन का प्रोसेस है ना, इसको जूडियो इतने सस्ते में करती है कि अगर मान लो प्रोडक्ट फेल भी हो जाए ना मार्केट में तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, और अगर प्रोडक्ट चल जाए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इसलिए आप भी अपने बिजनेस में ढूंढो कि कम पैसे खर्च करके जबरदस्त इनोवेशन आखिर आप कहां पे कर सकते हो, और मान लो अगर आप इसमें फेल भी हो गए तो क्योंकि आपका इनोवेशन करने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा तो कोई आपको उतना बड़ा दुख नहीं होगा, नहीं चला नहीं चला कोई बात नहीं आगे बढ़ो। पर देखो हां, ये जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है ना, ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि जहां पर जूडियो ने फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करके इतने कम टाइम में इतने सारे स्टोर्स खोल दिए ना, वहीं पर कुछ बिजनेसेस ऐसे भी है जो फ्रेंचाइजी मॉडल के चलते ही आज बर्बाद हो रहे हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल बताऊं, पिज्जा हट, वो कंपनी जो एक टाइम पर पूरी दुनिया के पिज्जा मार्केट पर राज कर रही थी, वो कंपनी जिसके पास पूरी दुनिया के मार्केट का 25% शेयर हुआ करता था, आज उसकी फ्रेंचाइजीज बंद हो रही है। पर यहां पर कैच ये कि पिज्जा हट का ये जो फेलियर है ना, इस फेलियर के पीछे की जो कहानी है वो उनकी सक्सेस स्टोरी के अंदर ही छुपी हुई है, और जिस चीज ने उनको इतना सक्सेसफुल बनाया आज उसी की वजह से वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। पता है ये सब कुछ हुआ कैसे? अगर आपको भी जानना है ना तो ये राइट वाली वीडियो देख लेना। तो दोस्तों आपने कंक्लूजन निकाल लिया होगा, मैंने तो कंक्लूजन निकाल लिया है कि जूडियो किस तरह से टीयर 2 और टीयर 3 कंज्यूमर को टारगेट कर रहा है। जूडियो ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करी कि उसने प्रमोशन में या होर्डिंग में या बैनर में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करा या वेस्ट नहीं करा, ठीक है। उसने डायरेक्ट मार्केट में अपने आउटलेट खोलना शुरू करे और जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट थी उसको उसने अपनी कॉस्टिंग में घटा के रेट इतने रीजनेबल लेके आया कि उसने टीयर 2 और टीयर 3 की जो सिटीज थी वहां की जो भी कंज्यूमर हैं उनको टारगेट करके
उनके तक वो पहुंच सका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस फॉर ऑल कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना अपनों का अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।